शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। उसे इस बात का सबक जरूर मिलना चाहिए कि उसने खुद को मेरी बेटी के साथ जोड़कर अपनी जिंदगी दांव पर लगा ली है। उसे कानून के फेरे में डालकर ऐसा घाव दो जो सारी जिंदगी ना भर पाए। पापा, पापा क्या कर रहे हैं आप जीवा के साथ? क्या क्या कह रहे थे आप इंस्पेक्टर से? मैंने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था कि वो खुद को तुम्हारी जिंदगी से अलग कर ले। पापा, आप उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, और अगर आपने कुछ किया तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। बकवास बंद करो। तुम्हारी खुशी और भलाई किसमें है ये मैं तय करूंगा। अब तक वो मेरा दामाद बनने के ख्वाब की छांव में जी रहा था, लेकिन अब उसे सच्चाई की तिलमिलाती धूप देखनी है। प्लीज सर बताइए ना सर, मेरी मां और बहनों ने ऐसा क्या किया जो उन्हें यहां पकड़ लाया सर? सर बताइए ना सर, सर बहुत टेंशन हो रहा है सर। धंधा करवाती है धंधा, तेरी मां अपनी बेटियों से धंधा करवाती है। बस मिश्रा, अरे बस कर, बंद करो। मिश्रा जी, इसे सलामत रखो। बेचारे को अपनी मां और बहनों को लेकर मुंह छुपाने के लिए पता नहीं कहां कहां भटकना पड़ेगा। छोड़ दो इसे, इसकी सजा तो यहां से बाहर निकलने के बाद शुरू होगी। बस्ती के लोगों ने आंखें बिछा रखी हैं इनके दीदार के लिए। अरे ये शरीफों की बस्ती है, धंधा ही करना है तो कहीं और जाओ। अरे इससे तो अच्छा होता तुम किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे देते। अरे जान तो ये तब देंगे जब इनमें कोई शर्म हया होगी। अरे तुम जैसे पापियों के लिए इस बस्ती में कोई जगह नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ए, देखता क्या है? मैंने मारा है, मैंने अपनी माँ को लेके बात अंदर शुरू कर। ए, चल चल। जीवा की जिंदगी के साथ आपने जो खेल खेला है उसके लिए मैं तो क्या
भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी आप आसानी से जिंदगी गुजार लेंगे, क्योंकि आप एक गिरे हुए इंसान हैं। पाप के इस बोझ को मुझे ढोना पड़ेगा। बदकिस्मती से आप मेरे बाप हैं और ये बोझ उठाकर मैं जी नहीं सकती। अगर आप मेरी आत्मा की शांति चाहते हैं तो मेरी लाश को हाथ मत लगाइएगा। ये सब उस कमीने जीवा की वजह से हुआ है। अरे मेरी बेटी, उसकी लाश तक पहचान में नहीं आ रही थी मिश्रा। सर आप चिंता क्यों करते हो, जीवा का काउंटर मैं लगाऊंगा। किरण की तो लाश पहचान में नहीं आ रही थी ना, लेकिन जीवा की तो लाश भी नहीं मिलेगी। तेरे लिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि तू सदा गिरा हुआ बाप है या सदा गिरा हुआ इंसान। जी बस करो, अभी बात को यहीं खत्म करो। हमें कौन सा बात बढ़ानी है, हर्ष की बकवास सुननी है तो मैं एक बात कान खोल के सुन लो। दो चार दिन से ज्यादा विजय यहाँ नहीं टिकेगा, सुनो तुमने। ओहो, अब मेरा भाई इस घर में कितने दिन रहेगा तुम डिसाइड करोगी? हाँ मैं डिसाइड करूंगी। लाख रुपए खर्च करके हमने उसकी ट्रेनिंग पूरी करवाई है, अब उसे कहा अपनी नौकरी ढूंढे, अपना इंतजाम खुद करे, हम उसका बोझ नहीं उठा पाएंगे। मेरा भाई बोझ नहीं, बोझ तुम और तुम्हारी बहन हो मेरे घर में। क्या हमें बोझ कह रही है? सुनो भैया, चुप करो अभी। मुझे चुप मत कराइए, बोले दीजिए। मेरा भाई जितने दिन चाहेगा यहाँ रहेगा, वो उतने दिन रहेगा जितने दिन मैं चाहूंगी। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा, मेरा भाई अपने बाप के घर आ रहा है, तुम्हारे बाप के घर में नहीं। बहुत सहलिया, मेरा भी हाथ उठ सकता है। चल जा कमरे में जा, जा। देख ली तुमने इसकी हरकतें? हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर और मिसेस बाली? कौन बोल रहा है? मैं केसी कॉलेज के प्रिंसिपल बोल रही हूँ। मिसेस बाली स्पीकिंग। मिसेस बाली, आपकी बेटी 3 महीने से कॉलेज नहीं आई है, उसके अटेंडेंस शॉर्ट है, वो एग्जाम्स में नहीं बैठ पाएगी। उसे मरे 3 महीने हो गए। ओह सॉरी। उन लोगों को अलग फ्लैट कहाँ से दूं? उसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं? बात करती है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, फटाफट पैसे कमाता हूं। ये सब कुछ मेरे को बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दुनिया से मैं जुड़ा हूं ना, उसमें जिंदगी बहुत छोटी होती है। के अंदर
साहब अंदर मीटिंग में बैठे हैं, आधे घंटे तक किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया। अरे ऐसे कैसे मना किया है? हमको कौन मना करता? देखता हूँ मैं अंदर। अरे आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। हट बाजू में। अरे आप नसीर भाई। अरे बात सुनिए। अरे आदमी आप उन भी अपना काम छोड़ गए हैं। साहब से मिलेगा बस। अरे सुनते ही नहीं है। आइए आइए नसीर साहब, आज सुबह ही मैं आपके बारे में सोच रहा था। आइए बैठिए प्लीज। ओके ऑफिसर्स, ये पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, इन्हें फॉलो अप करके मुझे बताइए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। देवराज साहब, आज अपन आपको एक एक बात बोलने को आया। एक क्यों? जब धंधा साथ कर रहे हैं तो बातें दो चार दस बीस भी हो सकती है। देवराज साहब, मैंने आज तक आपको कभी कोई बात बोलने से रोका है? कभी ऐसा हुआ कि मैंने कुछ कहा और आपने नहीं सुना, या आपने कुछ कहा और मैंने नहीं सुना? ऐसा कभी हुआ हमारे बीच? कपूर तुम बताओ, आज तक मैंने मामू से कभी ऊंची आवाज में बात की? कभी की? तो आज जब आपको मेरे ऑफिस में आकर मेरे से बात करनी थी तो गुस्सा क्यों? ये मेरा ऑफिस है, घर नहीं है। यहां पर लोग हैं जो देखते हैं, सुनते हैं, समझ सकते हैं। इस नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में लोग मुझे पाप मानते हैं। यहां पर आकर मेरा मजाक उड़ाना तो ठीक नहीं। देखो नसीर भाई, माफ करना, दिल को चोट लगी, दिमाग गर्म हो गया, हाथ छोड़ दिया, थप्पड़ गाल पे मारा है, चोट गाल पर ही रखना। पता प्रॉब्लम क्या है? साहब, आज तलक मैं आपको कितना धंधा करके दिया, जो जबान दिया वो खरा उतरा। बराबर। पैसे का कभी कंप्लेन हुआ? कभी नहीं। जब हम रोकड़ा खरा देता है तो माल भी खरा चाहिए आपको। बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पिछली बार हमने जो 5 लाख का जो माल लिया था वो खराब निकला, पार्टी ने माल वापस कर दिया। ये नसीर भाई को विटामिन किसने सप्लाई किया था? विकास बाली। देख बाली, अभी भी वक्त है, सच सच बता दे। इतनी बार बोलूं, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मेरे घर में इस तरह घुसकर आ गए हो, ये कोई अच्छी बात है? मुझे बुला लेते, मैं चला आता। बात क्या है? जैसा तुम लोग समझ रहे हो, माँ कसम वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? नसीर भाई की डील में गड़बड़ी की है तूने, पूरे 50% की मिलावट है उसमें। देख, तूने जितना भी कमाया है चुपचाप उसका हिसाब दे दे, वरना तू जानता है। अरे भाई, मैंने कोई मिलावट नहीं की है, जो माल तुम लोगों से मैंने लिया था ना, वही माल मैंने नसीर को दिया है। देख वाली। अरे लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है। रहने दे यार। सालवे, अभी हम यहां कोई काम करने के इरादे से नहीं आए, कैजुअल विजिट है। तेरे केस को हम ऑफिशियली ऑपरेट बाद में करेंगे। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो बाली, जो तुमसे हुआ है वो किसी से भी हो सकता है। इट्स ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत है वो। खुला पैसा और खुली औरत सामने हो तो आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है, सुन पड़ जाता है वो। सुन, कल सुबह 10 बजे तक का वक्त मैं तुम्हें दे रहा हूं, हिसाब पहुंचा देना। अगर हम आए तो हमारी ये विजिट ऑफिशियल होगी 10 बजे तक।